दूसरी वाली ये येलो जलेगी और ये वाइट जलेगी। ये चीज सबसे सेटिस्फाई लगती है भाई उतारते हुए, है ना। मैंने 7000 रुपए की बात की थी और साथ में शेयरिंग कवर का मना कर दिया था ना। सामने से कुछ बाइक अपनी जी तो की हाल चाल सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आई होप आप सारे ठीक हो गए, हम भी बढ़िया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको डिलीवरी वाली वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज चल पड़े हैं, टाइम हो रहा है अभी सुबह के 11। आज है मंडे और हमारी होती है आज ऑफिस की छुट्टी, तो सोचा बाइक में कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस करा के आ जाए, जैसे कि लैमिनेशन वगैरह, मोबाइल स्टैंड और बहुत नॉर्मल चीज़ें जो भी है वो सब। चलते हैं शॉप पे, देखते हैं, चेक करते हैं सारी चीज़ें और फिर अपनी बाइक में जो भी मॉडिफिकेशन कराएंगे आपको दिखाएंगे। रास्ता ही बंद है यहाँ पे, तो जगह जगह पे तो रास्ते बंद कर देते हैं यार। बाइक भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, देखते हैं कि पहले वॉशिंग कराएंगे, फिर वॉशिंग कराने के बाद ही इस पर लैमिनेशन डलवाएंगे, बाकी वहाँ जाके देखते हैं कैसे, जो जैसे बोलेंगे वैसा कर लेंगे। अगर बिना वॉशिंग के चढ़ जाएगी तो पहले लैमिनेशन करा के फिर वॉश करा लेंगे बाइक को। भक्ति एक नंबर है भाई, फुल भक्ति है, फुल धाम मूर्ति भगवान। हाँ इसको निकाल पहले आ गए, हॉर्न बजाया जा रहा, बजाया जा रहा है। जबरदस्ती हॉर्न बजाया जा रहा है भाई, बजाया। देखिए तू राटे काट रही है ओम फो, देखिए धर राटे काट रही है ओम फो। तो सारे कट बंद करो यार, यहाँ पे इतना आगे से यू टर्न मार के आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, गेट वगैरह सारे पहले पार्ट्स वगैरह खुल रहे हैं सारे। बढ़िया
ये सामने फ्रंट्स के फ्रंट के लाइट देख रहे हैं, जो लेग गार्ड पर लाइट लगेगी वो चेक कर रहे हैं कि किसकी कैसी रोशनी है। और दूसरी वाली फॉग लाइट भी है दोनों में, हाँ ये भी सही है। ये वही लाइट फाइनल करी है हमने अपनी बाइक के लिए, HJJ की लाइट है, मतलब बढ़िया कह रहे क्वालिटी, एकदम एक नंबर है इसकी। वाइट येलो दोनों है, फॉग लाइट भी है, फॉग में भी काम आएगी, अंधेरे में भी दोनों लाइट है, और फोकस भी बहुत बढ़िया है। बाकी अभी तो लगवा लेते हैं इसका, क्या कहते हैं रोशनी इसकी, रात में दिखाएंगे सारी जो भी टेस्ट वगैरह होगा। बाकी ये बाइक खुल गई है अपने यहाँ पे लेमिनेशन के लिए, खोल के अब सारा सफाई वगैरह कर रहे हैं, फिर इसके बाद लेमिनेशन कराने के बाद इसकी वॉशिंग करा लूँगा। देख लो कहाँ लगाओगे, जहाँ तुमको सही लगे वहाँ लगा दो, सही रहे हाथ भी। नहीं इसको उधर भी लग जाता है, इधर भी लग जाएगा। क्या स्विच? नहीं स्विच तो यार यहीं पे लगाओ, ऊपर। हाँ ऊपर की तरफ लगा दो, यहाँ लगा दो। देख लो जहाँ पे सही लगे वहाँ पे लगा दो, जहाँ पे हाथ सही पड़े यहाँ से जाएगा। देख लो पहले हाथ रखो इधर। हाँ ठीक है ठीक है, इस साइड ठीक है ठीक है ठीक है। तो वायर कहाँ से आएगी निकल के? वायर क्या नहीं आएगा, ऐसे एक वायर चले आएगा, इस वायर से कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वायर छेड़ना नहीं ना इस गाड़ी में। किस वायर से कनेक्शन हो जाएगा? ये कटाई कुटी की तो नहीं यार? नहीं यार अभी लगाऊंगा जब देखा। हाँ ठीक है देख लेना यार। भाई कनेक्शन वगैरह कुछ भी कटना नहीं चाहिए, पता करंट से ऐसे कनेक्शन वगैरह कुछ कट जाएगा, बाइक की गारंटी भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सब चीज़ देख के करा लो कि कोई वायर वगैरह एक्स्ट्रा कोई कटे ना, नॉर्मल कनेक्शन हो जाए सारे। सारी फिटिंग्स वगैरह इसमें लाइट में साथ में आती है, कोई अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ये एलएनकी वगैरह सारी फिटिंग्स सब साथ में आती है, और खोल के सेट करके ये सारी लाइट है अपनी, ये लगवाएंगे हम यहाँ पे इस जगह पे सामने से कि फोकस है, क्योंकि और कोई तो जगह है नहीं लगाने के लिए। बाकी उधर अपने बाइक के पार्ट्स खुल रहे हैं सारे, चाहिए हम लेट कोटिंग के लिए, पार्ट्स खुल गए आधे ज़्यादा। बाकी जब फाइनल होगा तब बताते हैं सारा। जो लाइट का कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे स्विच आया है इसका, कोई भी वायर वगैरह नहीं कटी है। बाकी यहाँ पे अपने फ्रंट पे से ऐसी लग रही है, देखो यहाँ से ऐसे लग रहा घूर रही है भाई बिल्कुल लाइट, और रोशनी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अभी तो देख लो, बाकी शाम में भी थोड़ी दिखाएंगे। ये येलो जलेगी और ये वाइट जलेगी, अभी दिन में तो ऐसी पूरा जल जाएगा, बाकी रात में बताएंगे, जैसे रात में दिखाएंगे कैसी है रोशनी। ये साइड पैनल तो हो गया फाइनल, वैसे भी इसकी फिटिंग चालू हो गई है, मड़गाड़ खुल रहा है, मड़गाड़ में हो गया मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया, बस फाइनल कर रहे हैं इसको। इसके बाद टैंकी करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी इसकी फाइनल कोटिंग। ये चीज़ सबसे सेटिस्फाई लगती है भाई उतारते हुए, है ना? क्या बात, चलो भाई बस।
अभी टैंक बच रहा है, वो भैया करेंगे उसका टैंक का। भैया उधर सामने पूरा कार में ब्लैक फ्लेम लगा रही है अभी। बस जो खत्म करेंगे उसके बाद यहाँ पे टैंक। को भी लग रहे होंगे अच्छे वाले, छः महीने बाद देखना बिल्कुल बैठ जाएंगे उसकी फॉर्म। छः महीने बाद बता रहा हूँ, छः महीने बाद फॉर्म बैठ जाती है, मेमोरी फॉर्म नहीं बैठती जल्दी से। हो गया भाई फाइनली पूरा कंप्लीट हो ही गया। बस अभी थोड़ा सूख जाएगा, इसके बाद इसकी फिनिशिंग काटेंगे, मतलब जो घोड़ा बना हुआ है इसको काटेंगे। बाकी सारा पूरा टैंक राइड एकदम कंप्लीट हो गया, फिनिशिंग तो एकदम तगड़ी आई है भाई। बस अब पैक करते हैं बाइक को, पैक करते हैं, पैक कराते हैं बाइक से, बैक बाइक को, तो फिर निकलते हैं। चलो भाई बाइक एकदम पैक हो गया फुल कम्प्लीट, देखते हैं कितना खर्चा हो गया। भाई लोग नहाते हैं, पैक करके निकलते हैं भाई यहाँ से। चलो भाई काम बिल्कुल फाइनल हो गया, बाकी अभी इसके बाद देखते हैं, पहले वॉशिंग कराएंगे, फिर उसके बाद सारा काम दिखाएंगे घर जाके क्या हुआ बाइक में क्या नहीं हुआ। चलो फिर देखते हैं कोई वॉशिंग वाला मिलता रखते में तो वॉशिंग कराते हैं पहले। भाई 11:30 के आ रखे हैं, टाइम देख लो क्या हो गया, 3:42 हो गए। देखो टाइम इतना लगता है फुल लेमिनेशन कराने में, क्या कर रहे हो। वो उस तरह से दुकान से निकले हैं, फिर एक तो बार बार इसका माइक वगैरह चेंज करना पड़ता है, बिल्ट इन या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पे करा है, पहले वीडियो रिकॉर्ड कर ली, पता ही नहीं चला माइक बिल्ट इन पे था, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो काम सारा कंप्लीट हो गया, फुल कंप्लीट लेमिनेशन कराई है, और 11:30 आए थे भाई, 3:45 हो गए हैं, 4 घंटे लग गए पूरे मान लो। तो काम एकदम तसल्ली से हुआ है, सारा काम एकदम बढ़िया करा है भैया ने। और बाकी अभी चलते हैं वॉशिंग कराने, वॉशिंग करा के फिर दिखाते हैं क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या फिनिशिंग आई है। और लाइट जो लगवाई है उसको तो रात में दिखाएंगे, क्योंकि दिन में तो क्या ही पता चलेगा। लाइट दिखाते हैं रात में कितना फोकस है क्या है। छुट्टी वाला दिन था, आराम से काम हो गया। और इसका भी लोगों को दिखाऊंगा, लोगों को भी कटा नहीं है क्योंकि पानी था अंदर, जब पानी सूख जाएगा तो इसका लोगो कट जाएगा तो बढ़िया से। फिर भैया कह रहे जब मर्जी आ देना लोगो को कटवा लेना आके। चाबी वाले की दुकान बंद है, एक चाबी बनवानी थी घर के लिए, उसकी दुकान बंद है, जब लोगो कटवाने आएंगे तभी चाबी बनवा लेंगे। भाई वॉशिंग वाली जगह पे आ गई है, डबल स्टैंड पे लगानी है बाइक अपनी, घर के पास में दुकान मिल गई थी, यहीं से वॉशिंग कराते हैं पहले। लाइट वगैरह ढक दिया भाई वॉशिंग से पहले ही, बोला है भी कि डायरेक्ट प्रेशर या पानी वानी ना मारो, बस लाइट ढक दिया। ठीक है यार सेफ्टी अपने लिए, भाई ख़राब हो जाएगी फालतू में क्या दिक्कत है, ढक दो, 5 मिनट लगते हैं ढकने में। यो ये कुछ इस तरह अपना मोटो ब्लॉग सेटअप है, ये मास्क वाला गोगल ले रखा है, इसके अंदर MC से ये माउंट अटैच कर दिए थे थारे, इसके ऊपर लगा दिया, साथ में एक्सटर्नल माइक लगा दिया था जो यहाँ पे जाके ये अंदर जाके जॉइंट हो गया इधर ये रहा। बाकी पगड़ी के लिए है, पगड़ी अपना इस पर पगड़ी पहन के भी चल जाता है, पटका बांध के भी चल जाता है, हेलमेट की भी जरूरत है नहीं है, इसी में चल जाता काम। और बाकी क्वालिटी आप लोग बताना कि कैसी आ रही है मोटो ब्लॉग करते हुए, बाकी सब ओके रिपोर्ट है भाई। भाई वॉशिंग हो गई है कंप्लीट, पॉलिश मार रहे हैं बस, अब सुखा दिए बाइक बिल्कुल, पॉलिश मार रहे हैं अब, ये कंप्लीट हो गया, चलते हैं घर यार। 4 बज गए, 4:09, एकदम
बढ़िया था, घर पहुंच गए हैं, 4:15 हो गए हैं, सुबह के निकले थे, बस काम एकदम कंप्लीट हो गया बढ़िया। ये देखो पूरी बाइक पे लेमिनेशन कंप्लीट हो गई है। भाई ये मैं कह रहा हूँ लोगो, ये कटेगा 1-2 दिन बाद, जब इसका पानी वगैरह सब सूख जाएगा अंदर से, तब इसका लोगो भी एकदम फिनिशिंग में आ जाएगा। ये है उन्होंने हाथों हाथ काट दिया था, ये रोनिन वाला। बाकी अब काम क्या क्या हुआ है, काम है हमने एक तो ये बैक बाइक का लिए कवर लगवाया है, बाइक का कवर हुआ है यहाँ पे पूरी बाइक पे, ये इस जगह पे लेमिनेशन, ये लेमिनेशन हो गया, फ्रंट इसके मीटर पे लेमिनेशन हो गई, ये साइड पैनल हो गए, ये सब कराया है, और ये लाइट्स लगवाई है, सामने HJG की लाइट है एकदम बढ़िया। बाकी इसका फोकस और रोशनी तो सब रात में दिखाएंगे कैसी है, और वॉशिंग करा दी है, बस अब चलते हैं, नहाते धोते हैं, कुछ खाते हैं, फिर शाम को मिलते हैं, थोड़ा चलेंगे, एक छोटा सा मोटो ब्लॉग करके आएंगे और इसकी लाइट की रोशनी दिखाएंगे। भाई बाहर निकाल दिए बाइक अपनी, पता नहीं GoPro में कुछ इशू आ रहा, बार बार मेमोरी कार्ड स्पीड स्लो दिखा रहा है, इसका मेमोरी कार्ड भी बड़ा वाला लेना पड़ेगा। बाकी अब स्ट्रीट लाइट ही बंद है, बट आप देखते हैं रोशनी चेक करते हैं अपनी बाइक की कित कैसी रोशनी है। ये वाइट लाइट है और ये फॉग लाइट है, फॉग लाइट अपना वाइट लाइट की रोशनी फॉग लाइट से ज़्यादा ही दूर तक जा रही है फोकस इसका। लो भाई सामने से लुक कुछ ऐसा है, लाइट जलाइए प्रिंस, सामने से कुछ बाइक अपनी ऐसी दिखेगी, और चेंज कर फोकस है बहुत दूर तक। चलो भाई वापस आ गए हैं, घूम करके वापस आ गए, चाबी की दुकान फिर बंद थी दिन की तरह, बाकी चक्कर लग गया, देख लिया लाइट वगैरह रोशनी एकदम बढ़िया हो गई है, और अभी कुछ ऐसे दिख रही है अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी के अंदर। बाकी सारा आप लोग बताना है, मोबाइल स्टैंड भी लगाया दिन में, बताना भूल गए थे मोबाइल स्टैंड, आप लोग बताना कैसी लगी मॉडिफिकेशन, और मोटो ब्लॉग भी करा कि मतलब बढ़िया लगा कि नहीं लगा, बाकी कमेंट करके जरूर बताना क्या कैसी लगी मॉडिफिकेशन। और आज की वीडियो में इतना ही है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय बाय।